हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आर्टिब्रेंस। सो गाइज, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी, जहाँ की टोटल जो है 3093 टोटल पोस्ट की वैकेंसी आउट की गई थी आईटी कैंडिडेट्स के लिए। तो गाइज, इसमें जो है न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इन सभी बच्चों का ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी क्या नोटिफिकेशन आया है, और जो है यहाँ पर अदर अपडेट्स भी आप लोग के लिए है। अगर कोई बच्चे का अगर डीवी में नहीं हो पाया या फिर किसी कारण से नहीं हो सका है, तो उनके लिए न्यू अपडेट्स आया हुआ है रेलवे की तरफ से। जो है अदर अप्रेंटिसशिप आई हुई है, तीन तीन जगह से अभी अप्रेंटिस है, जहाँ की बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप से, पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप, और जो है आपका ईस्टर्न रेलवे से भी अप्रेंटिसशिप आया हुआ, तीन जगह से आया हुआ। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो है चेकआउट कर सकते हैं, चैनल में आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद गाइज़, यहाँ पे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो गाइज़, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे सामने में जो है यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न रेलवे का वेबसाइट है, जहाँ की ये नोटिफिकेशन नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग, इस नोटिफिकेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले साल जो है फॉर्म भराया था, ठीक है। तो अभी गाइज, यहाँ पर जितने भी बच्चे का डीवी हो चुका था, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स ने डीवी करवा लिया था, अभी उनको अभी वेट कर रहे थे अपना ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, तो उनका ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे थे। तो गाइज, इसी में जो है एक न्यू अपडेट आया है कि वो उनको जो है क्लस्टर, दैट मीन्स कि यूनिट, उनको यूनिट जो है अलॉट कर दिया गया है। तो वो अपना आप लोग चेक कर पाइएगा कि उनको कौन सा यूनिट जो है अलॉट किया गया है, दैट मीन्स कि कौन सा क्लस्टर उनको दिया गया है। और रही बात की ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग की जो जहाँ तक बात है, तो वो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दो। चलिए, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या करना होगा, इस लिंक को मैं आप लोग को डायरेक्टली दे दूंगा, ताकि ये पेज आप लोग डायरेक्टली खोल लीजिएगा, ठीक है। ये लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो है यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, वहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा सारी पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है, बाय रोल नंबर से सर्च आप कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन नंबर से सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर रोल नंबर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर फिर आपको जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं जो भी अपडेट फॉर्मेट है, लाइक जैसे कि 30 है, ठीक है, 30, फिर यहाँ स्लैश देना होगा आपको, ओके। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ स्लैश दे दीजिए, और फिर जैसे कि 08 है तो 08 हमने दे दिया, फिर स्लैश जो भी है 1999, इस तरह से सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो सबमिट जब कीजिएगा तो आपका जो है वो जो पेज खुलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेल गाइस, तो कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जहाँ कि ऊपर आपका जो है, इसके ऊपर जो है आपको अपना नाम देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, दैट मीन्स रोल नंबर देखने को मिलेगा, फिर आपके फादर्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ कम्युनिटी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कौन सा क्लस्टर आपको मिला है वो चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्लस्टर मिला, ठीक है। जैसे कि ये आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का तरफ का ये जो है ये है वैकेंसी था, बट यहाँ पे देखिए इनको कौन सा मिला है, तो लखनऊ, ठीक है, क्योंकि लखनऊ जो है उस डीवी, जो लखनऊ जो आपका जोन है वो आता है नॉर्दर्न रेलवेज में आता है, इस वजह से यहाँ पर ये यूनिट उनको मिल गया, ये जो कैंडिडेट जिनका मैं अभी सर्च किया, ठीक है। अब देखिए उनका ट्रेड कौन सा था, फिटर था। अब यहाँ पर स्टेटस देख लीजिए, यहाँ स्टेटस इंपॉर्टेंट है, जहाँ कि आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि योर नेम इज प्रोविजनली इंक्लूड इन मेरिट लिस्ट एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप, मतलब कि जो मेरिट लिस्ट जो बनाया गया है, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट है, उसमें आपका नाम प्रोविजनली क्या कर लिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था बिल्कुल ओके था, और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो चुके हैं, अब आपका जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो आपको जो भी क्लस्टर मिला है, ये चीज़ आप अपना चेक कर लीजिए, जैसे इनको लखनऊ मिला, और क्या कहा जा रहा है कि जो भी आपका अब जो भी फॉर्म वगैरह, जो भी डीवी वगैरह, जो भी चीज़ें थी, सभी आपका कहाँ सेंड कर दिया गया, जो यूनिट लखनऊ है वहाँ आपका सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी आपको एक मंथ का जो है वेट करना है कॉल लेटर के लिए, ठीक है। तो अपने जो भी आपका अलॉट हुआ है यूनिट, जैसे इनका लखनऊ अलॉट हुआ है, वहाँ से क्या आएगा, कॉल लेटर आएगा, या तो हो सकता है उनको ईमेल आए, ठीक है, या तो हो सकता है कि पोस्ट के माध्यम से उनको भेज दिया जाए, ठीक है, डाक के द्वारा ये ज्वाइनिंग लेटर, या फिर ईमेल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और अगर नहीं मिलता है ज्वाइनिंग लेटर एक महीना 25 दिन के अंदर, तो फिर वो जो है इस कॉपी को, ये इसका प्रिंट करा लीजिएगा, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन रहता है, इस जगह प्रिंट कर लीजिएगा, और प्रिंट करके इसका जो है आप लोग जो है ये लेके चले जाइएगा, कहाँ, ऑफिस चले जाइए, कहाँ, तो आपको दिल्ली नहीं जाना है, यहाँ कहाँ जाना है, लखनऊ जाना है, ठीक है। जिस क्लस्टर में आपका हुआ है उसी क्लस्टर में आपका सब कुछ होगा, ज्वाइनिंग भी अब आपको वहीं पे होगा, आपको जो है ट्रेनिंग भी वहीं मिलने वाला है, और जो है बाकी जो आपको फाइनली जो जाना है, ठीक है, वहीं जाना है। तो अगर आपका कॉल लेटर नहीं आता है, तो आपको ये जो कॉपी है और साथ में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेकर के आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। एक महीना के भीतर अगर आपको लेटर नहीं मिलता या फिर ईमेल नहीं आता, तो आप अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिएगा, जो फॉर्म भरे थे उस टाइम का, ठीक है, जो ईमेल दिए थे उस टाइम स्टार्टिंग में, वही चीज़ आप उसी ईमेल में बराबर चेक करते रहिएगा।
चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरी बात में यहाँ पे नोट लगा के बोला गया है कि ये भी आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि जो भी आपको डिवीजन या फिर यूनिट अलॉट किया गया है, ठीक है, तो वहाँ आप लोग क्या क्या लेके पहुँचिएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सर्टिफिकेट्स लाइक कि टेंथ का मार्कशीट, टेंथ का सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट, सेमेस्टर वाला सर्टिफिकेट या फिर ईयरली वाला जो है, अभी तो ईयरली वाइज चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वो ले लेना है। कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट जो होता है आपका, मार्कशीट जो होता है कंसोलिडेटेड, जिसमें कि एक ही मार्कशीट में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का रहता है, और सेमेस्टर वाला सिस्टम का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सब एक ही मार्कशीट में रहता है, उसको कंसोलिडेटेड कहते हैं। वो ले लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट्स वो जो है वन सेट मतलब डिस्चार्ज बुक ले लेंगे और पेंशन पेपर ले लेंगे, पेंशन वाला पेपर ले लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सभी का जो है एक सेट जो है आपका, सभी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का फोटो कॉपी करा लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करके अपना डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके चले जाना है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है, और क्या करना है नहीं करना है सभी चीज़ें आपको लोग को मैंने बता दिया है। तो गाइज़ इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अदर अपडेट्स भी चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जितने भी अपडेट्स हैं चाहे आईटीआई के जॉब से रिलेटेड या फिर अप्रेंटिस से रिलेटेड या आईटीआई संबंधित सभी अपडेट्स आप लोग को मिल जाता है। तो गाइज़ आई होप कि आपका जानकारी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।